सो हेलो गाइस, मानो बिजन बैक अगेन विद न्यू वीडियो। गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं व्यू के भाई 55 गेस्ट डिवाइस के अंदर आप स्प्लिट स्क्रीन कैसे यूज कर सकते हो। गाइस आपको पता होगा मैंने काफी सारी स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है जिसमें आपको सेटिंग्स के अंदर भी बताया हुआ है। इवन गाइस मैंने एप्लीकेशन का भी यूज करके बताया कि कैसे आप जो अपने फोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन कर पाएंगे। फिलहाल गाइस प्रॉब्लम ये है कि किसी फोन में आता है स्प्लिट स्क्रीन, किसी किसी फोन में नहीं आता, तो आप जो है इसका एक्चुअल यूज कैसे करेंगे। आपको बता दें आपके व्यू के भाई 55 गेस्ट डिवाइस के अंदर भी आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन नहीं मिलता बाय डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर, क्योंकि मेरा जो फोन है व्यू का भाई 53 है, इसके अंदर भी नहीं आता। इसके अंदर हम करते हैं यूज एप्लीकेशन का जिसकी मदद से मैं कर पाता हूं मल्टी विंडो। तो चलो हम दिखाते हैं कि आप जो है एप्लीकेशन का यूज करके कैसे अपने फोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं। तो हालांकि गाइस ये थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन है जो प्रॉपर वर्क कर जाती है सभी फोनों में, लेकिन आपको एप्लीकेशन की ही मदद से आप जो है स्प्लिट स्क्रीन यूज कर पाएंगे। सो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, इसका डाउनलोडिंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट दे दूंगा, या फिर आप इजीली प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसका हम डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे इसका एक्चुअल यूज करना है। सो जैसे कि गाइस यहाँ पर हमारा डिवाइस है, हमने ऑलरेडी प्ले स्टोर को ओपन भी करके रखा हुआ है जहां पर आपको मल्टी विंडो ये वाली एप्लीकेशन शो हो रही है। जैसे आप सर्च करेंगे मल्टी विंडो, यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर पे इसलिए शो हो रही है क्योंकि ये जो है और भी एप्लीकेशन है ऊपर ये एड्स लगे हुए हैं, इसलिए एड्स जो है ऊपर होती है इसलिए यहाँ पर मल्टी विंडो ये नीचे आ रहा है। और इसकी डाउनलोडिंग की बात करें तो 5 मिलियन प्लस इसकी डाउनलोडिंग है, रेटिंग भी 4.2 की है, तो काफी बेटर है और इजिली एप्लीकेशन प्रॉपर डिवाइसों में रन कर जाता है। अब इसका हम यूज करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे आप यूज करेंगे। सो जस्ट इसको ओपन करेंगे हम, गाइस यहां पर अलाउ है, इसको आप क्लिक करेंगे और यहां पर हमने ऑन करके ऑलरेडी रखा था, तो आप इस बटन को ऑन करेंगे तो आपको कुछ परमिशन देनी होगी जिसको आप अलाउ कर देना। मैंने इसको ऑलरेडी अलाउ कर दिया था। अब हमारे पास यहां पर एक बटन सा रहा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको हम क्या करेंगे इस तरह से इसको ऐसे करके ड्रैग करेंगे। अभी मैं करके दिखाता हूं आपको, इस तरह से हम इसको करेंगे, इसके बाद हम इसका यहां से यूज करेंगे। एक्चुअली गाइस क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पर फोन है इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। मैंने इसको हालांकि ट्राई करा था और भी बार ट्राई करा था, लेकिन ये जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ शो नहीं हो रहा है। तो आप क्या करना, मैं आपको यहाँ पर कुछ स्क्रीन शॉट यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो आपको उसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। फिलहाल यहाँ पर ये ऐड नहीं हो पा रहा, जैसे ये पेज यहाँ पर ओपन होता है गाइस मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप इसको फॉलो कर लेना। फिलहाल जैसे आप इस पेज को ओपन करेंगे वहां से एक आपको पेज आएगा जिसको आपको ऊपर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, जिस तरह से आपने उस बटन को ऑन किया था आपको भी सेम उसी तरह से उस बटन को भी ऑन करेंगे तो कुछ शॉर्टकट एप्लीकेशन आपके पास क्रिएट हो जाएंगे, लाइक फाइल मैनेजर, गैलरीज, एक्सेट्रा। तो मैं आपको स्क्रीन शॉट यहां पर दे दूंगा, आपको लगा दूंगा स्क्रीन शॉट ताकि आप जो है इजीली समझ पाए। तो आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो आप जो है जो एप्लीकेशन आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहे हैं उसके साथ आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो स्प्लिट स्क्रीन के लिए। डेफिनेट अगर मैं बोलूं आप यूट्यूब यूज कर रहे हो तो यूट्यूब के साथ आप जो ऊपर के जितने एप्लीकेशन शॉर्टकट है उस फोन के अंदर, उस एप्लीकेशन के अंदर आप उन्हीं पे मल्टी स्क्रीन कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी एप्लीकेशन पर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बोलूं यूट्यूब को आपने ओपन करा, दूसरा यूट्यूब आपने ओपन करा, तो दो यूट्यूब के स्प्लिट स्क्रीन नहीं बन सकते, या फिर यूट्यूब के साथ व्हाट्सएप का स्प्लिट स्क्रीन नहीं बन सकता। जो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर है आप उसी पे एक्चुअल स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हो। वीडियोज में रिकॉर्डिंग होने की वजह से आपको स्प्लिट स्क्रीन का पूरा प्रोसेस नहीं बता पाऊं, इसलिए मैं आपको स्क्रीन शॉट के जरिए आपको बता रहा हूं। तो फिलहाल आप सेम प्रोसीजर को फॉलो कर लेना, डेफिनेटली अपने फोन के अंदर इस वाले सेटिंग का यूज कर सकते हो। अगर ये सेटिंग आप यूज नहीं कर सकते हो तो मैंने अपलोडिंग काफी सारे डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है, और एप्लीकेशन हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है, दूसरा एप्लीकेशन है, लेकिन आपको भी वो एप्लीकेशन सेम वर्क करता है, तो आप जाकर उसको भी ट्राई कर लेना, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देखोगे तो इजीली समझ जाओगे कैसे उस एप्लीकेशन का यूज करना है। सो बस गाइस फिलहाल ये थी आज की वीडियो, होपफुली आप समझे होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजिंग हो इसके रिकॉर्डिंग तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।